गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। तो गाइस आज हमारे मौसाजी के हॉस्पिटल का ओपनिंग है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का नाम है सहयोग हॉस्पिटल, जो कि आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। ये लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन कहाँ पे है। आप जब सहरसा से मधेपुरा आते हैं तो चैती दुर्गा चौक के समीप, जस्ट इस रोड के सामने आप पीछे लोकेशन या फिर रेडियंस पब्लिक स्कूल भी एक है उसके जस्ट सामने, यानी तो वो आपको चैती दुर्गा चौक के पास आ करके इस हॉस्पिटल पे आ सकते हैं। तो आज उनका ओपनिंग है, तो चलिए दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है। ब्लॉग पे बने रहिए। सो गाइस यही हॉस्पिटल है सहयोग हॉस्पिटल, इसमें आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और 24/7 डेज इमरजेंसी सर्विस आपको मिलेगी। और ये नंबर भी आपको शो कर रहा होगा 8709983214 9110913174। यहाँ सभी प्रकार के मरीज का विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ देख सकते हैं, और ये लोकेशन है रेडियंट पब्लिक स्कूल, और ये पश्चिमी बाईपास है मधेपुरा में। ये रोड सहरसा से और इधर सिंहेश्वर चल जाती है बस जस्ट उसी के पास, और वो चैती दुर्गा चौक हुआ। तो बस तो चलिए आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल के अंदर का कुछ व्यू। गाइस हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। ये रिसेप्शन काउंटर इधर है, नीचे रिसेप्शन काउंटर है ये इधर सारा, और चलिए ऊपर हॉस्पिटल आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आज ओपनिंग है तो बहुत सारे काम जो कि अभी पेंडिंग पर है वो सारे काम भी अभी हो ही रहे हैं। तो आज पूजा भी है हॉस्पिटल का, देख सकते हैं इस वक्त सारे डेकोरेशन है, सारा चीज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो नीचे रिसेप्शन काउंटर इधर है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सीढ़ी है, सीढ़ी के द्वारा ऊपर चलिए। इधर भी डेकोरेशन हो रहा है, ये देखिए कुछ बाहर इस तरह का कुछ नज़ारा है। आज पूजा के चलते कई सारी चीज़ें, प्रसादी वसादी सारा चीज़ें का यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ से एंट्री है, चलिए आप अंदर चलते हैं, गेट से एंट्री कर लें। ये आईसीयू रूम हो गया, 1 2 3 4 5 6 भी टोटल 6 बेड है, और भी बेड लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था देखिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की भी ये की गई है। और यहाँ पे पूजा किया जा रहा है, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, आप पॉज करके देख लीजिए इसको, इसमें सारा एड्रेस दिया, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नीचे में, यानी तो हॉस्पिटल को मैं डाल दूँगा। तो गाइस अभी ऑपरेशन थिएटर रूम में आ चुके हैं, देखिए ऑपरेशन थिएटर रूम यही है, ऑक्सीजन सारे चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। इधर भी एक रूम है, अभी क्योंकि अभी सारा चीज़ काम हो ही रहा है, तो अब क्या क्या जो चीज़ भी होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और नंबर मैं आपको दे दिया हूँ इस हॉस्पिटल का संचालक का, आप उससे भी कॉल करके बात कर सकते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई है। काला है, नाकाम है, इतना 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 है, ना
आप सब कुछ दे दिया हवन में जो है ना जो तीन सब है ना जो तीन है सब दान दीजिए सब दे दीजिए गाइस यहाँ पर पूजा हो रहा है देख सकते हैं प्रसादी मौसादियाँ बैठे हुए हैं हवन हो रहा है श्री सत्यनारायण स्वाहा 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 श्री सत्यनारायण स्वाहाचमन्यम पूर्वत्व भगवती श्री सत्यनारायण विष्णव नम आरती अग्नि भाई ये आरती गई मेरे जाम है संस्कृत ठीक है कोई बात नहीं ले लिया
आप बैलून खुलेंगे स्नान करेंगे वो अपना दिखा देंगे। शाम में मोस्ट रहेगा दीप जलाना अगरबत्ती। सो हे गाइस, अभी रात के 11:24 हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूँ, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हॉस्पिटल का ओपनिंग था, जो पूजा पाठ हुआ सब कुछ हुआ, तो मैंने आपको सारा चीज़ वीडियो में दिखाया हॉस्पिटल में जाकर, क्योंकि वो भी मैंने आपको देखा। अभी हॉस्पिटल बंद हो रहा है और हम लोग घर निकलेंगे, यहाँ से घर थोड़ी दूर पर हैं। फिर आपसे मिलते हैं, अगर आपको उसको ब्लॉग पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।